तो मैं स्मार्ट नहीं हूँ, या मैं कहूँ मेरे पास दिमाग नहीं है, बट मेरी बॉडी का ये वाला हिस्सा थोड़ा भारी है, तो शायद मेरे पास दिमाग है। अब स्मार्ट होने का मेरा मतलब ये नहीं कि मैं उन ज्ञानी बच्चों जैसा नहीं हूँ जो कि अपनी उंगलियों को ऐसा ऐसा करके पूरे ब्रह्मांड का मैथ्स कैलकुलेट कर देते हैं। अबे अबे उसको ना अबेकस कहते हैं, चू, और इसे कुंग फू कहते हैं, साले चू। यह है कुंग फू मास्टर। मुझे 6+7 अपनी उंगलियों पे काउंट करना पड़ता है, बट खैर 6+7 का आंसर किसको नहीं पता होता है, है ना? 5, 6, 7, 8। खैर ये वाले क्वेश्चन को अभी जाने देते हैं। तो जैसा कि अभी मैथ्स की बात हो रही है, तो तुम्हें मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, मगर सॉरी टू से मैं ये नहीं बताऊंगा कि 11th की बात है, क्योंकि तुम लोग फिर सोचोगे कि कोई बंदा इतना बड़ा होके इतना गवार कैसे हो सकता है। तो एक दिन मैं क्लास में बैठ के मेरे दोस्त का होमवर्क छाप रहा था, और मेरे दोस्त पीछे बाकी बच्चों के साथ कुछ कर रहा था, मुझे पता नहीं क्या कर रहा था, मगर कुछ तो कर रहा था, शायद बॉम्ब डिफ्यूज कर रहे थे वो लोग या लगा रहे थे। खैर, तो होमवर्क छापते छापते मुझे एक क्वेश्चन में डाउट आया। अब नॉर्मली कभी ऐसा होता है तो मैं जो सामने वाले की कॉपी में पैटर्न बना होता है वही अपनी कॉपी में बना देता हूँ, मगर उस दिन मेरे दिल से एक आवाज आई, ब्रो इट्स हीरो टाइम। बस इतना सुन के मेरी आंखों में चमक आई और मैं मेरे दोस्त के पास चल पड़ा। ओए, ये इसका आंसर 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा? उसने जैसे ही ये बोला सारे बच्चों की नजर मुझ पे आ गई, उनकी आंखों में एक मस्ती सी थी, वो मुझे हलाल होता हुआ देखना चाहते थे। आयु, अब तेरे पास और कोई चांस नहीं है, अब तू पीछे भी नहीं हट सकता। मुझे एक करना ही होगा, इसलिए मैंने अपने दिमाग में सबसे हायर मैथमेटिक कैलकुलेशन लगाया और उसका आंसर दे दिया, इन्फिनिट। उनकी हंसी सुन के मेरा रोना निकल गया था, लेकिन मैंने मेरा ईगो नहीं टूटने दिया। मैंने फुल कॉन्फिडेंस से उन्हें कहा, भाई गलत क्या है उसमें, उसका आंसर इनफिनाइट ही तो आएगा, साले हंस क्यों रहे हो मुझ पर? अच्छा, कैसे आएगा इनफिनाइट, हमको भी तो बता। यहाँ मुझे मेरा ईगो वापस लाने का चांस मिला था, इसलिए मैंने मेरा हायर कैलकुलेशन उन्हें बता दिया। भाई देख, ये जो नीचे के 2 1 है ना, अगर तू इनका एलसीएम लेगा तो इनका तो एलसीएम आते ही जाएगा। ओए हाँ, सही बोल रहा है यार तू। देखा भाई, तेको तो मैंने बोला ही था, इसलिए इसका आंसर आएगा ओह, उस समय मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे किसी को पंच करना था, इसलिए मैंने खुद को पंच मार लिया। अब ऐसा भी नहीं है मुझ में कॉमन सेंस नहीं है, अगर गेट इधर है तो मैं उधर नहीं भराऊंगा। अब देखो, मैं कोई अभी ऐसा नहीं हुआ हूँ, मैं बचपन से ही डम्ब था। मुझे याद है मैं 4th class में एक कोचिंग जाता था। हाँ 4th class में, नहीं था यार मुझ में उतना दिमाग, मैं बस एक मामूली सा डफर था। रुको, मैं नहीं था डफर, ये था, सब कुछ इसकी गलती है, मुझे तो सब कुछ आता है। वैसे तू ये कर क्या रहा है, साले मेरी नाक क्यों कटवा रहा है? ऐसा तो नहीं था मैं बचपन में, पढ़ाई में पहले मेरा बहुत बुरा हाल रहता था। A for apple, अब बोलो A। हाँ हाँ, apple जब्बा। मुझे 11th class का हिंदी सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। हमें एक चैप्टर था शिवराज सिंह और उसकी बर्छी, मतलब स्वॉर्ड और तलवार। अब मैंने पीछे वाले बेंच पे शिवराज सिंह को युवराज सिंह सुन लिया, और मेरे पे बुक तो थी नहीं, और चैप्टर में एक लाइन आई थी कि शिवराज सिंह ने अपनी बर्छी से 14 सैनिक को घायल कर दिया। और यहाँ मैं पीछे वाले बेंच पर बैठ के सोच रहा हूँ कि भैंचो, युवराज सिंह ने कब से सैनिक पहनना स्टार्ट कर दिया, और ये बर्छी को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं चैप्टर में? अरे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे क्या काम आएगी युवराज सिंह की बर्छी? तो एलियन वन, तुम्हें क्या लगता है इस बर्छी से हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे भैया, इसको कोई ट्रांसलेटर दो। अरे ढपले को हिंदी नहीं आती क्या? एलियन वन वहां रखा है ट्रांसलेटर। जी तो सर, मैं बता रहा था कि अगर हम बर्छी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल लेंगे तो उससे क्या होगा कि... अरे कैसा आदमी है यार ये? मारो यार ढपले को, हिंदी बोलना साले। शांत हो जाए सब, एलियन वन आगे बोलो। जी तो सर, इस बर्छी की पावर से हम लोग ना बाथरूम में टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। बेकार आइडिया। मोदी जी, आपको क्या कहना है इस पे? मित्रों, हम इस बर्छी से 14 सैनिकों को घायल कर सकते हैं मित्रों। यस, कमाल है मोदी जी, फुल सपोर्ट।
तुम लोग ने आसमान में कभी ऐसा जेट जाते हुए देखा है? वो कुछ ऐसा दिखता है, तो बचपन में मुझे बहुत कूल लगते थे। ओ भगवान। नहीं स्टूपिड, भगवान नहीं है वो, फोर्थ क्लास के डफर। तो कुछ टाइम के बाद वो जेट मुझे बेंटन की वॉच लगने लग गया और मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये कहीं ना कहीं जाके तो पक्का गिरेगी। और वैसे भी मैं जहाँ रहता हूँ वो बेंटन के जंगलों जैसी जगह है, उस चीज की वजह से और यकीन हो गया मुझे। बस फिर भगा मैं जेट के पीछे। आई नो ये जेट के पीछे भगने वाली बात तुमको बहुत स्टूपिड लग रही है, लेकिन ट्रस्ट मी यार, मैंने करा है ये। तो मैं जेट के पीछे 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 भगा, लेकिन जेट तो गिरा ही नहीं। लेकिन जेट का पीछा करते करते मैं जहाँ आ गया था ना, वहां से घर जाना बहुत मुश्किल था। खैर वो बात अलग है कि मैं मेरे घर से बस थोड़ा ही दूर था, मगर कसम से उस टाइम मैं बेंटन भूल गया था। हेलो, आपको पता है मैं कहाँ पे आ गया हूँ? नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा रास्ता। अरे मुझे भूख नहीं लगी है। ओह अच्छा, वो डॉगी का बिस्किट था, मुझे भी डॉगी बहुत पसंद है। आपको पता है मैं भी एक बार डॉगी। तो अभी हाल ही में मैंने एक डम मूवमेंट किया है मेरे एग्जाम्स के टाइम पर। ओके, तो इस चीज को थोड़ा छोटा रखते हैं। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैं पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं हूँ, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, प्लीज कोई मुझे मार दो। मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना सच कब से बोलने लग गया मैं वीडियोस में। तो हम लोगों का एक ग्रुप है, उसमें 9 मेंबर्स है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि एग्जाम्स में वाइवा के टाइम पर जो भी क्वेश्चन हमसे एक्सटर्नल पूछेगा, उस क्वेश्चन का आंसर बाकी लोग गूगल पर सर्च करके ग्रुप पर डाल देंगे। तो एक्सटर्नल ने मुझसे ग्रेविटेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, तो मेरी एक दोस्त है रीत भाई, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने गूगल पे लिखा ग्रेविटेशन से रिलेटेड सबसे चोमू आंसर बताओ। भाई उसने केमिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था मेरे से, मैं उसको 5वीं क्लास की ग्रेविटी की डेफिनेशन सुना रहा हूँ जो रीत ने भेजी थी। ग्रेविटी सर, ग्रेविटी सर, ग्रेविटी। भाई वो एक्सटर्नल की भी हंसी निकल गई थी पता है। और वर्स्ट पार्ट ये है कि अब मेरे जो ग्रुप में 9 लोग हैं उनको जीवन भर ये चीज याद रहेगी, तुम तो गए। यो, तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है और फिलहाल मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने मेरी दोस्त का रियल नेम ले लिया है वीडियो में। हाँ रीत उसका रियल नेम है, तुम लोग को लगता है ये नाम मैं मेरे मन से सोच सकता हूँ, बट खैर अगर रीत तू ये वीडियो देख रही है तो अगली बार थोड़ा ढंग का आंसर सर्च करियो। मजाक कर रहा हूँ। खैर अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक मारो और कमेंट में बोलो मेरा कैलकुलेशन सही था, मैं हूँ मैथ्स गॉड। एंड इस वीडियो को हम लाइक एम रखते हैं 500 लाइक्स के लिए, मुझे पता है तुम लोग कर देते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लो और उसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में लगाओ और मौका पाओ मुझसे एक प्यारा सा शाउट आउट पाने का। एंड इन दिस वीडियो शाउट आउट टू योर्स फ्रेंडली केंजो, एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये नोटिफिकेशन इस टाइम कौन मैसेज कर रहा है।